मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर लेटा के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महंत रणछोड़ भारती महाराज व सूर्यश्वर महादेव मंदिर के महंत पर्वतगिरी महाराज के सानिध्य में नर्मदा के पानी को लाने पर प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वागत कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद देवजी एम पटेल, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला प्रमुख डॉक्टर वन्ने सिंह गोहिल, जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार, विधायक अमृता मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशाराम डोड़ी, उपखंड अधिकारी हरफुल पंकज, नर्मदा परियोजना के अधीक्षण अभियंता भवनलाल सुथार, XENDS डांगी, SP शर्मा, DSP शैतान सिंह, तहसीलदार अर्जुनदान देथा, विरमन्यूज के MD मुकेश सुंदेसा, पहाड़ू खां, नगर परिषद के सभापति भवनलाल माली, जालौर थानाधिकारी मांगीलाल, वरिष्ठ पत्रकार भंवर सिंह सोलंकी, एडवोकेट बाबूलाल मेघवाल व DSO गोविंद सिंह राजपुरोहित अतिथि के नाते उपस्थित थे। नर्मदा की नीर को लेकर आयोजित स्वागत समारोह में विधायक अमृता मेघवाल ने कहा कि विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जालौर की जनता से वादा किया था कि जालौर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए नर्मदा के प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा किया जाएगा। विधायक ने नर्मदा के पानी के जालौर आने पर खुशी जताई। स्वागत समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नर्मदा को जालौर के लिए एक सौगात बताते हुए कहा कि जालौर में पेयजल की समस्या को एक चुनौती के रूप में लेकर नर्मदा के प्रोजेक्ट पर नर्मदा परियोजना के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क कर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जालौर में नर्मदा के सपने को साकार किया है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने नर्मदा के प्रोजेक्ट को लेकर क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल की भूमिका को उचित बताते हुए सांसद की उपलब्धि बताई। स्वागत समारोह में क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल ने कहा कि नर्मदा के प्रोजेक्ट को पूरा करने में प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका रही है। संतों के आशीर्वाद से नर्मदा के नीर जालौर की धरती पर पहुंचा है, यह एक गौरव की बात है। क्षेत्रीय सांसद ने जालौर वासियों के लिए नर्मदा का नीर के चुनावी वादे को पूरा किया है। स्वागत समारोह में नगर परिषद के पार्षद ओम प्रकाश सुंदेसा, हसमुख नागर, फूलाराम चंदन सिंह और लेटा सरपंच इंद्र कुमार का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर छगन सिंह राजपुरोहित, बंशीलाल सोनी, मदन राज बोहरा, ईश्वर सिंह भवरानी, जोगराज सिंह देवड़ा, पदम सिंह सोड़ा, विरमन्यूज की CEO निकिता कंसारा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उजिर सिलावट, लेटा के शेषाराम चौधरी, तूफान सिंह साकरना, रतिलाल सुथार बागरा, धूड़ाराम सुथार, मदन सिंह राठौड़, छत्राराम माली, भोप सिंह, डूंगर सिंह मांगलिया सहित बड़ी संख्या में लेटा ग्रामवासी व आसपास के गाँवों के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर में भीनमाल बाईपास रोड पर संचालित शराब की दुकान के विरोध में मोहल्लेवासियों ने 1 घंटे से अधिक समय तक जाम लगाकर शराब की दुकान हटाने की मांग की। शराब की दुकान के आगे बड़ी संख्या में महिलाओं के विरोध की सूचना मिलते ही जालौर थानाधिकारी मांगीलाल में जाब्ते मौके पर पहुंचे। शराब की दुकान बंद के विरोध में मोहल्लेवासियों की बढ़ती नाराजगी को देख पुलिस उप अधीक्षक शैतान सिंह व उपखंड अधिकारी हरफुल पंकज भी मौके पर पहुंचे। मोहल्लेवासियों ने विरोध के चलते भीनमाल बाईपास मार्ग पर दरी डालकर बैठ गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने शराब की दुकान को हटाने के आश्वासन के बाद भी मोहल्लेवासी शराब की दुकान को तुरंत प्रभाव से हटाने की बात पर अड़े रहे। भीनमाल बाईपास मार्ग पर मोहल्लेवासियों के शराब की दुकान के सामने प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक अमृता मेघवाल भी मौके पर पहुंचकर शराब की दुकान हटाने का आश्वासन दिया। शराब की दुकान हटाने की मांग पर प्रशासनिक अधिकारियों विधायक ने महिलाओं को 3 दिन में दुकान हटाने की आश्वासन पर विरोध समाप्त करने की बात कही। भीनमाल बाईपास मार्ग पर 1 घंटे से अधिक समय तक जाम रहने से भारी वाहनों को अस्पताल चौराहा होते हुए रास्ता पार करवाया। भीनमाल बाईपास मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि जिले में नर्मदा नहर पेयजल परियोजना जुड़ी सभी कार्यकारी एजेंसियां निर्धारित समय तक पीने का पानी पहुंचाने का महती कार्य करें तथा इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता को सहन नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में नर्मदा नहर पेयजल परियोजना की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नर्मदा नहर पेयजल परियोजना के तहत जिले में संचालित FR, DR, ER आदि प्रोजेक्टरों में विशेष गति लाते हुए उन्हें निर्धारित समय पानी मुहैया करवाया ताकि जिले के सभी क्षेत्रों में
नर्मदा नहर का पानी पहुंच सके। उन्होंने IVICL के केसी रेड्डी को निर्देशित किया कि वे भैसाड़ा में शीघ्र ही पंप लगाकर आवश्यक व्यवस्थाएं करें, वहीं कलेक्टर की डिजाइन आदि के कार्य में गति लाए। उन्होंने कहा कि तैत्रों से शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए अपनी श्रम व मशीनरी सीमा को बताते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें तथा इसमें किसी भी स्तर पर कोताही को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने जालौर शहर में नव निर्मित पानी की टंकियों के कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले में उपभोक्ता सप्ताह के दौरान आकस्मिक निरीक्षण किए जाने पर उचित मूल्य दुकान बंद पाए जाने व दुकान में अन्य कमियां पाए जाने पर 2 उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी गोविंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जालौर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मांडोला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का निरीक्षण करने पर विभिन्न प्रकार के अनियमितताएं पाए जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेश तक निलंबित किया गया है तथा इसके अस्थायी वितरण व्यवस्था मांडोला उचित मूल्य दुकानदार मादाराम पुत्र सवाजी चौधरी को दी गई है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार रानीवाड़ा तहसील के कोड़का ग्राम पंचायत की भाटी उचित मूल्य की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाए जाने पर उचित मूल्य दुकानदार जयरूपाराम पुत्र बहराराम के प्राधिकार पत्र को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। फोटोग्राफी का काम करने वाले फोटो स्टूडियो तथा मिनरल वाटर प्लांट के प्रोपराइटर अपने उद्योग का पंजीयन जिला उद्योग केंद्र में करवा सकेंगे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक दिनेश धाकड़ ने बताया कि विकास आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार MSMED अधिनियम 2006 के अनुसरण में जिले में फोटोग्राफी का काम करने वाले फोटो स्टूडियो तथा मिनरल वाटर प्लांट के प्रोपराइटरों को अपने उद्योग व इकाई का पंजीयन जिला उद्योग केंद्र में करवाना होगा। उन्होंने बताया कि पंजीयन करवाने के उपरांत उन्हें भारत सरकार द्वारा देय सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा। रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़े के अवसर पर जोधपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजीव शर्मा 4 जून को दोपहर 3 बजे जालौर रेलवे स्टेशन पर प्रेस वार्ता करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर के जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़े के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजीव शर्मा 4 जून गुरुवार को दोपहर 3 बजे जालौर रेलवे स्टेशन पर प्रेस वार्ता करेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी गुरुवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक राजीव शर्मा से मुलाकात करेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के साथ मंडल रेल प्रबंधक राजीव शर्मा 4 जून गुरुवार को 11 बजे रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़े के संबंध में बैठक करेंगे। बैठक में डॉक्टर सोनी जालौर जिले के लिए माल परिवहन के विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जिले के ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्रेनाइट परिवहन रैक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ वार्तालाप करेंगे। इस अवसर पर जिले के किसानों को खाद की पर्याप्त आपूर्ति बताए रखने के लिए रेलवे के द्वारा खाद परिवहन रैक की व्यवस्था करने के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का नर्मदा नहर का जल पहुंचाने के लिए लेटा ग्राम में सम्मान किया गया। लेटा ग्राम स्थित पिपलेश्वर मठ में नर्मदा नहर परियोजना का जल जालौर पहुंचने के लिए उपलक्ष में आयोजित समारोह में सांसद देवजी पटेल, जिला प्रमुख वन्नी सिंह गोयल, जालौर विधायक श्रीमती अमृता मेघवाल, जालौर नगर परिषद सभापति भवरलाल माली, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशाराम ढूड़ी, जालौर उपखंड अधिकारी हरकुल पंकज, नर्मदा नहर परियोजना के अधीक्षण अभियंता BL सुथार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महंत रणछोड़ भारती महाराज व सुरेश्वर मठ के पर्वतगिरी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। समारोह में क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल ने नर्मदा नहर परियोजना का जल जालौर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों का धन्यवाद किया और आशा जताई कि सबके सहयोग से जिले के विकास का हर सपना भविष्य में भी इसी प्रकार से साकार होता रहेगा। यह एक शुरुआत है, भविष्य में सभी जिले वासियों को शुद्ध पेयजल सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में रेलवे द्वारा 3 रेलवे ओवर ब्रिज स्वीकृत किए जिनसे विकास की गति मिलेगी। जिला प्रमुख वन्य सिंह गोयल ने शीघ्र ही संपूर्ण जालौर जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने की आशा जताई। जालौर विधायक श्रीमती अमृता मेघवाल ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और प्रशासन साथ मिलकर माही का पानी जालौर जिले में लाने के लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नर्मदा नहर परियोजना की कार्यप्रणाली एवं इसके आगामी लक्ष्यों के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेयजल जालौर शहर और इससे जुड़े 14 गांवों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अगले चरण में इसे आगे बढ़ाकर अन्य कस्बों और गांवों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने समारोह को जन भावनाओं से सम्मान बताया। जिला कलेक्टर
डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जसंतपुरा तहसील क्षेत्र के दो व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 रुपयों की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि जसंतपुरा तहसील क्षेत्र के खानपुर निवासी गुमानमल पुत्र खेताजी लोहार उम्र 45 वर्ष तथा लीलाराम पुत्र जवाजी लोहार की गत 5 अप्रैल 2015 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि भीनमाल व जसंतपुरा उपखंड अधिकारी व तहसीलदार की अनुशंसा पर मृतक गुमानमल की पत्नी श्रीमती हुआ देवी तथा मृतक लीलाराम की पत्नी सौरभ देवी को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50,000 रुपयों की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।